नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल संदीप की बासठ ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देख सकते हैं आप, आज मल्ली पड़ाव से और चाँद मेडिकल तक के ये जो नज़ारे हैं टूटे गए हैं, जिसमें सरकार ने पिछले 6 महीने से नोटिस दी थी और कहे थे कि नाली जो ढके आप लोग इसको हटा लीजिएगा। ये लोग नई नोटिस माने और सरकार आज SDM और नगर पालिका द्वारा ने बुलडोजर से देख सकते हैं इस प्रकार जितनी भी नाली ढकी गई थी सब तोड़ दिए गए। दोपहर को लगभग ये तोड़ा गया है और आप देख सकते हैं, इस साइड भी देख सकते हैं नज़ारे। और मैं आपको चाँद मेडिकल तक ले कर चलूँगा, आप देख सकते हैं मलबा किस प्रकार से टूटा है और नाली को ढके गए थे यहाँ तक, आप जो देख रहे हैं ये नाली को पूरा ढका गया था, लेकिन अभी फ़िलहाल नाली दिख रही है साफ़ सुथरा, क्योंकि सफाई करने में बहुत दिक्कत होता है दोस्तों, इसलिए नगर पालिका द्वारा इसे तोड़ा गया है बुलडोजर के द्वारा। और देख सकते अंकल जी से पूछते हैं, अंकल जी क्या बात है बताइए आप। बात ये है कि जब आप इसको लागू किए हैं तोड़ने के लिए तो आप ठीक है तोड़िए, लेकिन तुरंत मलबा तो हटवाइए, मलबा नहीं हटावेंगे तो रास्ता जाम होगा, पानी रोड पे आएगा। और ये ट्रैक्टर वाले आए हैं, जेसीबी वाले आए उठा करके उसको फेल दिया इन्होंने, वो नाली जाम हो गई। तो कल करवाएंगे ना, कल कराते हैं कि परसों कराते हैं, ये तो उनके ऊपर है कब कराएंगे। नहीं नहीं कल करवा देंगे, अभी तो पूरा कंप्लीट भी नहीं होगा, मल्ली पड़ाव तक तोड़ेंगे ना इसको, अभी तो बस बड़ी मस्जिद तक, ये चौराहा हनुमान मंदिर तक तोड़े हैं। यहाँ तो साफ कराते रहिए, यहाँ तो साफ कराते रहिए, इधर करवाते रहिए। हाँ करवाएंगे ना, करवा देंगे, करवा देंगे। छह महीने पहले आपको नोटिस दिया गया था ना, 6 महीने पहले नोटिस दिया गया था, 6 महीना पहले तो एक बार नहीं चार चार बार नोटिस दिया था कि आप लोग जो नाली कवर की है उसको हटा लीजिए, ये बात सही है कि नहीं? नोटिस दिया गया था, लोग आके कहा भी लोगों ने, आप लोग अपना अपने हाथ से अपना तोड़ लिए, जब लोग पब्लिक नहीं मानी शासन ने आकर के तोड़ दिया। तो वही बात है ना, अगर आप लोग अपने हाथों अगर तोड़ लिए होते तो आज ये निशान कहाँ तक लगा रहे हो, कहा ना तोड़ो, नाक का निशान जहाँ तक लगा, उसका भरपाई कौन करेगा है? तोड़ देंगे बड़ी बड़ी इतनी बिल्डिंग, भरपाई कौन करेगा? नोटिस ये जो नाली आप कवर की है उसके लिए नोटिस आया था, उसके लिए आया है। अगर इतना तोड़ देंगे तो अगर इतना तोड़ देंगे तो सरकार पैसा कहाँ देगी इतना? नाली क्या है ना, छेकने से गंदगी रह जाती है, उसी में सफाई करने में दिक्कत होता है। जाम अपना लगी है, जाम वाली बात नहीं, नाली ढकने से उसका सफाई नहीं हो पाता, उसको आप चले। और किसी को कुछ कहना है क्या है बात? सरकार नोटिस दी थी आपने, क्यों नहीं थोड़ा इसके पहले सरकार नोटिस दी थी ना, आपको नहीं मिली थी? खुश है नहीं इनसे? नाराज है, नाराज है, योगी सरकार चली जाए, योगी सरकार से नाराज है आप? अंकल जी खुश नहीं है इस काम से, और देख सकते हैं किस प्रकार से नुकसान हुआ है भैया चाचा का। और मीडिया से हाँ बोलिए, मतलब कि योगी सरकार 5 किलो गल्ला दे रही है तो कुछ थोड़ी ना उसका, हम अमीर थोड़ी ना, हम लोग कमाने खाने वाले इंसान हैं, रोज कूना खोते हैं, रोज पानी पीते हैं। तो मतलब आप खुश नहीं है सरकार से? नहीं है। चलिए तो दोस्तों देख सकते हैं सर जो चाचा जी खुश नहीं है, लेकिन फिलहाल ये जो काम हुआ है हम लोगों के हित में ही हुआ है, क्योंकि हम लोग क्या है ना, नाली को कवर किए हैं और नाली जब अगर पूरी ढकी रहेगी तो साफ़ सफाई करने में बहुत प्रॉब्लम होता है नगर पालिका के कर्मचारियों को, इसलिए नगर पालिका SDM मजिस्ट्रेट ने मिल के ये जो नाली ढकी गई चौतरे बनाए गए थे इसको तोड़ दिए हैं। और आप देख धीरे और पूरी तोड़ा देख सकते हैं आप, नाली भी पूरी मलबे से भर चुकी है, पानी पूरा रोड पर आ चुका है, आप देखिएगा नज़ारा। और जो पिलर खड़ा था, ये नई नई बिल्डिंग अभी बन रही थी, नई नई बिल्डिंग बन रही थी लेकिन इसको तोड़ दिया गया है, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी नुकसान हुआ है। लेकिन इससे कोई बात नहीं, जब 6 महीने पहले वो नगर पालिका सरकार ने इसको आदेश दिया था, नोटिस दिया था, कृपया आप लोग नाली छोड़ के बनवाएं, लेकिन इन्होंने माना नहीं और सोचा कि क्या करें, क्या होगा, कुछ होगा नहीं इसके लिए, लेकिन अब ये भुगतना पड़ा इनको, कितना नुकसान हुआ इस प्रकार से देख सकते हैं आप। और इधर देख सकते हैं नज़ारे आप कितने दोस्तों, पाइप टूट गई क्या? हाँ भैया, नगर पानी वाला है, शरबत वाला है, शरबत वाला है, शरबत वाला है, पी लो भाई तब, शरबत है पी लो ना, 35 पाइप टूटा है।
दोस्तों देख सकते हैं, और जो हमारा यहाँ शहरों में पानी आता है पाइपों द्वारा वो टूट चुका है, और प्लम्बर के द्वारा काम जारी है। बनारसी प्लम्बर, प्लम्बर बहुत खूब है, कहीं के प्लम्बर हो लेकिन प्लम्बर है। देख के सीढ़ी ना चली जाए, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पैसा भी ले रहे हैं काम का, पैसा तो लेवे करेंगे। दादा कहाँ है? क्या दादा जी कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में? जो टूटा है इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहेंगे भैया, सबका टूट रहा तो हमारा भी टूट जाए, अब क्या कहें, अब हम अपना बचाने के लिए कुछ कहेंगे? खुश हैं नहीं? एक एक प्रकार से अच्छा हुआ है कि नहीं, ये बताइए आपकी निगाह, आपकी निगाह में बहुत अच्छा हुआ क्योंकि हो रहा है, क्योंकि नहीं नालियों से नाली जब ढकी थी इसको सफाई करने में कर्मचारियों को बहुत दिक्कत होता था, अभी क्या होती है सफाई होगी और पानी बराबर बहता चला जाएगा। अभी जो है दिक्कत तो है ही है, अभी उसके बाद तब जब नहीं नहीं होगा तब हो जाएगा, हो जाएगा। अब हाथ पर दही थोड़ी जमती है। नहीं 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 टाइम लगता है। कुछ कहना चाहते हैं क्या आप? क्या कहेंगे यार, बस प्रॉब्लम में चढ़ा कैसे जाएगा ऊपर, एक दिन का इसीलिए तो ढाके थे हम लोग, इसीलिए ढाके थे और कोई वजह नहीं थी। अब जैसे हमारा घर सामने है, हमने इसलिए चबूतरा लगा रखा था क्योंकि नाली खुली बच्चे निकलते गिर, बच्चे गिर जाएंगे, बस यही प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इस नाली का सोल्यूशन कर दिया जाए, यहाँ से इस तरह की मतलब कुछ डाल दिया जाए, पाइप डाल दिया, ढाक दिया जाए तो नो प्रॉब्लम। अच्छा एक प्रॉब्लम और आती है बरसात में, पानी भर जाता है, पानी भर जाता है उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, पानी निकालने का कोई रास्ता नहीं है यहाँ से, बस यही प्रॉब्लम है। और हम चाह ही रहे हैं कि अंदर रहेंगे भाई, अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है, रोड चौड़ा होगा, एक्सीडेंट नहीं होंगे, एक्सीडेंट नहीं होंगे, एक्सीडेंट नहीं, जाम नहीं लगेगा, जाम नहीं लगेगा, तो जाम से परेशान है, हम चाहते हैं कि जाम खत्म हो जाए, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ये नाली का सोल्यूशन नहीं है, बच्चे गिरते रहते हैं, अभी दो जन गिर गए अभी 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 इस रोड पे काम करते हुए, दो मतलब हटते गिरते दो आदमी नाली में जा चुके, अभी सात दिन पहले एक बंदा अपने खुद से हटाया था उसने, वो गिरा साफ कर रहा था, साफ करने के बाद नाली में खुद गिर गया बंदा, तो प्रॉब्लम यही है बस और कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तो चाहते हैं हमारे रोड पे जाम ना लगे, हम अच्छा हुआ ये अच्छा है, अभी इसका सोल्यूशन होना, अभी तो साफ इसको हटाया गया, लेकिन बाद में इसको जब आने के लिए इसको फिर ढका जरूर जाएगा, क्योंकि बिना ढके हम लोग जो शहर के लोग हैं जाएंगे नहीं, और जब जा नहीं पाएंगे तो दिक्कत प्रॉब्लम और आएगी, मालूम है क्या, जब यदि पानी भरेगा बरसात में तो बंद होने के बाद और प्रॉब्लम पानी और बढ़ेगा, घर में डाल दिया जाए, घर के अंदर पानी होता है पूरा, बड़ा सीवर डाल दिया जाए ताकि पानी, हाँ समझ रहे भैया, बरसात का पानी जो हम लोग घर में घुस, घर के अंदर पानी जाता है वो बंद हो जाए सर, ये प्रॉब्लम है बस, और तब तो ठीक है यार, विकास चाहिए हमें, बढ़िया सब सब ठीक है। चलिए कुछ लोग कहते हैं योगी सरकार बहुत खराब है, नहीं यार बाबा जी की जय, अभी वहाँ बोले बाबा जी की जय, बाबा जी की जय। तो दोस्तों चलते हैं कुछ और आगे की तरफ, आज लाइव अपडेट दिखा रहा हूँ ब्लॉगिंग के चैनल में, लोग कहेंगे भाई ब्लॉग से कहाँ न्यूज़ चैनल बन गया, लेकिन भाई क्या करूँ, अपनी शहर की बात है तो उसको दिखाना जरूर है, लोगों की समस्याओं का सुलझाना जरूर है, आप देख सकते हैं। और मैं पहुंच चुका हूं अभी चाँद मेडिकल जस्ट सामने, और ये चाँद मेडिकल है, मैंने आपको मल्लीपुर हनुमान जी के मंदिर से और चाँद मेडिकल के नज़ारे दिखा दिए, और सभी लोग परेशान हैं, दोनों साइड टूटा है, ये दाहिने साइड भी और राइट साइड भी, लेफ्ट राइट दोनों साइड टूटा है, और ये क्रिया अभी मल्ली पड़ाव तक चलेगी, और आप देख सकते हैं दुकानों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है, आप जा सकते हैं। और अंकल जी बढ़िया है, रात के हमारे अंकल जी देख सकते हैं किस प्रकार से तैनात है हमारी सुरक्षा के लिए और यातायात ताकि भीड़ न। दोस्तों फिलहाल इस ब्लॉग को भी करता हूँ एंड, तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, अच्छा तो ज़रूर लगेगा क्योंकि मैं आपको लाइव अपडेट दिखा रहा हूँ जो अंकल से, तो और शेयर भी करिएगा क्योंकि ये खबर जितनी तेज जाएगी। और आपको बता दूँ आप लोग जरूर सोचते होंगे कि ब्लॉगिंग का चैनल पर अगर न्यूज का वीडियो डाल रहा है तो भाई मैं क्या करूँ, मेरे शहर की बात है और मैं आपको आप सबको दिखाना ज़रूरी है क्योंकि शहर में क्या हो रहा है कैसे ही नहीं ये सब ज़रूरी बताना है, नहीं तो आप कहेंगे भाई ये काम कोई न्यूज वाला नहीं कर सकता, कोई भी कर सकता है, ये नहीं कोई बात है कि न्यूज वाली बात है, अगर न्यूज वाला ये करे रिपोर्टिंग, भाई मैं ब्लॉग को ब्लॉग भी कर सकता हूँ और ब्लॉग में दिखा भी सकता हूँ और ब्लॉग पे दिखा सकता हूँ, तो फिलहाल इस ब्लॉग को भी करता हूँ, तो लाइक करना सब्सक्राइब करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, आपके प्यार और सपोर्ट से हम आगे बढ़ेंगे, और ऐसी ही खबरों एंड ब्लॉगिंग ब्लॉग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ब्लॉग चल रहा है ब्लॉग, हाँ तो फिलहाल बाय, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।